मऊ जिले के मोहम्मदाबाद पुहाना कोतवाली क्षेत्र के बनियापार गांव में स्थित जय मां दुर्गा मंदिर परिसर में स्थित जलाशय में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद 2 घंटे की खोजबीन के बाद उसके शव को बरामद किया गया। जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी सुखारी दास ने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित जलाशय में रोजाना स्थानीय युवक नहाने के लिए आते हैं। आज भी कई युवक नहा रहे थे कि तभी एक युवक के डूब जाने की सूचना मिली तो सभी लोग उसको बचाने में जुट गए, लेकिन दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसके शव को खोजकर निकाला गया। मृतक का नाम अबुजैद अंसारी, जो कि पास के ही अंसार नगर मोहल्ले का निवासी है। वहीं अस्पताल के चिकित्सक सिराज अहमद ने बताया कि तालाब में डूबने वाले युवक को मेरे पास लाया गया था, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो गई थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वो ऑलरेडी एक्सपायर था जी, उसको मैंने पल्स रेट देखा और हार्ट बीट भी नहीं थी उसकी, पीपल डायलेट थी पहले से। उसको एग्जामिन करने के बाद मैं डिक्लेयर कर दिया वो पहले से डेड था। उसका कुछ नाम पता, जैसे नाम उसका था अबुजैद अंसारी, वो यही अंसार का लोकल अंसार नगर का था। तो मतलब सब कुछ बताया नहीं गया कि मतलब कितनी देर पानी में था या कुछ ऐसा? हाँ, ये जो कुछ लोग उनको लेके आए डेड बॉडी को, और उन्होंने बताया कि 1 घंटा से वो डूबा हुआ था। उसको लास्ट को खोजा, काफ़ी देर लगी उनको खोजने में, खोज के निकाल के लेके सीधे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए। पौने 10 बजे के करीब वहाँ 25-30 लड़के थे और उसमें एक तार कूदते हैं, एक के ऊपर 10-10 कूदते हैं। तो हम वहाँ जब चिल्लाहट हुई तो गए तो बता रहे हैं कि एक लड़का इसमें डूब गया, उसके लिए हम कांटा लेके गए, फिर वो जुगाड़ बनवाए हैं पाइप का, उससे डूबथून निकाले तो फिर एक लड़का उसमें घुसा है, मुसलमान का नाम हम नहीं जानते उसका। वो कह रहा बाबा उसकी कमर हम पकड़े हैं, तो ये हुआ कि भाई उसको निकालो। तो तभी से उसमें लगे हुए हैं। अरे 10:15 की बात 12:05 पर निकला है वो।